नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू वाइब कनेक्ट स्टूडियो। स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये है मीन यानी पाइसिस की फुल मून से न्यू मून तक की रीडिंग। फुल मून है 5th फेब को, न्यू मून है 20 फेब को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना रेजोनेट करे। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं एनर्जीज, उन्हीं गाइडेंस प्रेडिक्शंस को पिक करूँ जो इस वीडियो को देख रहे हर एक इंसान को फ़ायदा मिले। एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दैट विल हेल्प मी टू एस्टैब्लिश अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी एंड पिक योर एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ओके, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ कप्स। बॉटम से आपके लिए आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी है। हाँ, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग निकल के आई है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे शुरुआत करूँ। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज से मैं शुरुआत करती हूँ, जो कि ये है कि कुछ तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़, कुछ सेलिब्रेशन आपके इस फेज में आपके लिए आ रहा है। हो सकता है कुछ फैमिली के साथ सेलिब्रेशन हो, हो सकता है आपके लव्ड वन, आपके पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन हो, क्योंकि बीच में वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस वीक भी पड़ रही है। तो अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ ऑफ़र भी मिल सकता है, ऑफ़र इन द सेंस रिलेटेड टू अ मैरिज प्रपोज़ल, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक छोटा सा रीडिंग व्हाट आई कैन आल्सो हियर इज़ कि हो सकता है आप अगर वैलेंटाइंस वीक में कुछ प्लान करें आपके पार्टनर के साथ, तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लाएँ या कुछ सरप्राइज़ प्लान करें तो वो आपको ना पसंद आए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ ये चीज़ अप फ्रंट एक्सप्रेस मत करिएगा। प्रिटेंड दैट यू लाइक्ड द सरप्राइज और द गिफ्ट। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फेज हो रहा है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इमोशनल, बट इट विल बी अ मिक्स ऑफ टॉकिंग एंड थाट्स। मतलब आपका बिहेवियर और आपके इमोशंस बहुत ही सिंक में दिखाई पड़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग। स्पेशली जब हम फुल मून से साइकिल शुरू करते हैं तो फुल मून की जो एनर्जीज होती है वो बहुत हाई होती हैं, और जब ये एनर्जीज हाई होती हैं तो यूजुअली लोगों के इमोशनल लेवल जो होता है, इमोशनल क्वोशेंट होता है, वो बहुत हाई लेवल पे हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं। बट यहाँ पे काफ़ी अलाइंड चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू नो, नॉट जस्ट मैरिज प्रपोजल, बट मुझे लग रहा है कुछ तो समथिंग वेरी गुड, अ गुड न्यूज़। इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सन, मतलब हो सकता है आपके पर्सन आपसे मैरिज के लिए प्रपोज कर दें, या फिर आपको अगर किसी पे क्रश है तो हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें आपसे। हो सकता है आपने अगर कहीं पे कोई जॉब अप्लाई करी है या आपने किसी क्लाइंट को पिच करा है आपके बिजनेस के लिए, कुछ भी, तो वो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एट अ वेरी हाई स्पीड। मतलब आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा ये फुल मून से न्यू मून की साइकिल में, एंड थिंग्स आर हैपनिंग एट अ वेरी ग्रेट स्पीड। इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, सेलिब्रेशन, गुड टाइम्स आर कमिंग, यू नो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। कुछ तो रिसेंटली आपके साथ हुआ है ऐसा, जिसकी वजह से आपको फील हो सकता है कि आप किसी बात को रिग्रेट कर रहे हैं, या किसी बात से सैड हैं, या आप कुछ चाहते थे और आपको वो चीज़ एग्जैक्ट वैसी नहीं मिली। कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपको करने पड़े हों, और बट
अभी वो टाइम निकल गया है, सो आपको वो मूड छोड़ना पड़ेगा, आपको वो सैड वाला फेज आपको लेट गो करना पड़ेगा। एंड जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए आगे जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आप उसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये भी कार्ड यही सजेस्ट करता है। मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक दिस एनर्जी। इट इज़ मोर लाइक कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आप इनको देख रहे हो, बट जो आपको चाहिए, जो आपको मिल रहा है, आपको वो नहीं, आपको उसकी वैल्यू नहीं है या आपको वो नहीं चाहिए, बट आपकी नज़र और ऑप्शंस में है। सो यू हैव टू एट टाइम्स एडजस्ट अबाउट थिंग्स। तो हो सकता है कि आपको जो ऑफर भी आगे मिले, कुछ छोटे मोटे हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, बट बहुत ही मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज टू ऑफ वॉन्ट्स की हैं, एंड सी हाउ दिस पर्सन लाइक अ किंग स्टैंडिंग होल्डिंग द ग्लोब द वर्ल्ड। मतलब उनके हाथ में दुनिया है और वो उसको कितनी प्राउडली चीज़ों को देख रहे हैं। सो दिस इज़ योर एनर्जी। वॉट एवर यू हैव इन योर हैंड राइट नाउ, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। तो जो आपको आगे ऑफर मिल रहा है या जो आपके पास आ रहे हैं, एज इट इज़, हो सकता है कई बार हमको वो चीज़ें ना मिले, बट जो मिलता है, जो भगवान या जो यूनिवर्स हमको देते हैं, वो हमेशा वही देते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, द फ्यूचर इज़ वेरी गुड। सो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे कि मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मतलब मुझे चाहिए तो था ये, बट नॉट लाइक दिस। सो लेट इट गो। थोड़ा सा आप इजी रहिए, थोड़ा सा आप रिजिड ना रहें अपनी चॉइसेस को लेके, स्ट्रिक्ट ना रहें, एक चेकलिस्ट के साथ ना चलें कि दिस पर्सन हैज दिस 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 एंड योर टिकिंग मार्क। थिंक फ्रॉम योर हार्ट। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है कि आप आपके दिल की सुने। बहुत ज़रूरी है कि आप इस फेज़ में, ये जो फुल मून से न्यू मून तक का फेज़ है, इसमें आप अपने दिल की सुने, क्योंकि आपको बहुत सही गाइडेंस मिलेगी। जो भी आपका इमोशनल कनेक्ट है, जो भी आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस लेंगे, वो आप सही लेंगे इस फेज़ में, जो कि बहुत कम होता है, बट इट विल बी गुड फॉर यू। ऑल्सो गेट रेडी फॉर अ ग्रेट सेलिब्रेशन, कुछ तो सॉलिड सी पार्टी, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ हैप्पीनेस होने वाली है। सो गेट रेडी फॉर दैट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट करी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि इट फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी, इस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन विच हेल्प्स मी टू पिक अप योर एनर्जीज। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम जो भी अपडेट्स डालेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो अलॉन्ग विद टैरो रीडिंग्स, वी ऑल्सो पोस्ट सबलिमिनल्स, चांस, स्विच वर्ड्स, मिरेकल कोड्स, हीलिंग्स एंड टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वी ऑल्सो पोस्ट अबाउट आर अपकमिंग इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स। तो अगर आप लाइक करेंगे, सॉरी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, तो आपको तुरंत अपडेट्स मिल जाएंगे, विच विल बी गुड फॉर यू एंड अस। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, कंसल्टेशन चाहिए या कुछ कस्टम ऑर्डर करना है, तो आप बेशक हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। एंड आई होप आप अगले वीडियो में वापस आएंगे और आपका एक्सपीरियंस बताएंगे ज़रूर से। तो ठीक है, ध्यान रखिए, एंड गणपति बप्पा मोरिया।